मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो है मुद्रा स्फीति लेखांकन अंकेक्षण। मुद्रा स्फीति लेखांकन अंकेक्षण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा स्फीति लेखांकन अंकेक्षण। क्या होता है कि व्यापारिक लेन देन में लेखांकन कुछ मौद्रिक इकाइयों से होता है। जो व्यापारिक लेन देन होता है उनसे जो उनकी मतलब लेन देन लेखांकन किन से होता है, कुछ मौद्रिक इकाइयों से होता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ जैसे कोई भी कंपनी खोलते कोई भी कंपनी या कोई बिजनेस भी खोलता है और उसमें हम मौद्रिक इकाइयों से अपना कार्य शुरू करते हैं। मौद्रिक इकाइयाँ क्या होती हैं, देखो मौद्रिक इकाई, मौद्रिक इकाइयाँ क्या होती हैं कि जो हमारे यहाँ जैसे रुपया रुपया डॉलर रुपया डॉलर पाउंड ये क्या है, मौद्रिक इकाइयाँ। हमारे यहाँ रुपया का प्रयोग होता है और हमारे देश के बाहर जैसे कोई फॉरेन हुआ तो वहाँ डॉलर का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं पाउंड का प्रयोग होता है। तो ये हमारी मौद्रिक इकाइयाँ हैं। इनके कारण हमारा बिजनेस क्या है, संभव होता है। इनके कारण हमारा व्यवसाय होता है, इनके कारण हमारा बिजनेस चलता है। जैसे कहीं लेन देन की आवश्यकता होती है, ट्रांजेक्शन्स की आवश्यकता होती है, तो ट्रांजेक्शन किस से होता है, रुपया से या डॉलर से या पाउंड से। अगर डॉलर जैसे हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन फॉरेन से हुआ तो फॉरेन में हमने ट्रांजेक्शन किया तो वहाँ से हमें डॉलर में आया, कन्वर्ट किस में हो गया, रुपया में। क्यों हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ रुपया ही चलता है। हमारे भारत में क्या चलता है, रुपया। जैसे कहीं पाउंड चलता है तो उसने हमारे यहाँ से कुछ ट्रांजेक्शन किया, अब हमें उसका पे करना है तो हम पे अपना रुपया में करेंगे लेकिन उसका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पाउंड में। तो मतलब कुछ मौद्रिक जैसी इकाइयाँ होती हैं, मौद्रिक इकाइयाँ जैसे रुपया डॉलर पाउंड, तो इन मौद्रिक इकाइयों से एक बिजनेस संभव होता है। क्या होता है कि जो वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण होता है वो परंपरागत के आधार पर होता है। जो वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण होता है वो किसके आधार पर होता है, परंपरागत के आधार पर। मूल्य के परिवर्तन का प्रभाव व्यावसायिक संस्था की संपत्ति एवं दायित्व, मूल्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, या तो व्यवसाय की संपत्ति या दायित्व पर पड़ेगा, या शुद्ध लाभ या कुल आय पर पड़ेगा, या कर की देय राशि पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्रभाव। अब आते हैं अपन प्रभाव पे, या तो इसका प्रभाव संपत्ति और दायित्व पर पड़ेगा, संपत्ति तथा दायित्व पड़ेगा। दूसरा, या तो शुद्ध लाभ और कुल लाभ पर पड़ेगा, शुद्ध लाभ व कुल लाभ, या जो कर देय राशि होती है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वास्तव में जो कर योग्य होते हैं, मतलब एक निश्चित राशि तक तो छूट होती है कि किसी भी कर का भुगतान नहीं करना है, लेकिन एक निश्चित राशि के अलावा एक निश्चित दर से कर लगाया जाता है और कर की देय राशि पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कर की देय राशि पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जो मौद्रिक इकाइयाँ होती हैं, सबसे पहले तो ये है कि वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण परंपरागत आधार पर होता है, और जब वो परंपरागत आधार पर होता है तो मूल्य में परिवर्तन का इन संस्थाओं की या तो संपत्ति दायित्व पर प्रभाव पड़ेगा, या लाभ हानि पर प्रभाव पड़ेगा, कर की देय राशि पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए जो स्थिति, जो हमारी संस्था की स्थिति के मध्य यह एक गंभीर मतलब जो स्थिति होती है उनका विवरण होता है, और लाभ हानि की सत्यता एवं उचितता, जो लाभ हानि की सत्यता होती है उचितता होती है विवादास्पद हो जाती है। अतः आज लेखापाल और अंकेक्षण के मध्य, जो लेखापाल होते हैं और अंकेक्षण के मध्य, यह गंभीर समस्या हो चुकी है कि मुद्रास्फीति लेखांकन को व्यावसायिक रूप में कैसे प्रदान किया जाए, है ना, व्यावसायिक रूप में
कैसे प्रदान किया जाए। मान लीजिए कोई भी चीज 1947 में वह चीज 1 रुपए में मिलती थी, कब 1947 में, कोई भी चीज, कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, वो 1 रुपए में मिलता था। लेकिन आज 2003 में, आज 2003 में वही चीज जो 1 रुपए में मिल रही थी, वही चीज जो 1 रुपए में मिल रही थी और जो 1 रुपए में कंज्यूमर ले रहे थे, वही चीज आज 2003 में कितने की मिल रही है, 20 रुपए की, और 20 रुपए में भी नहीं मिल रही है, हो सकता है 50 रुपए में मिल रही है। तो सीधी सी बात है कि जो चीजें, मतलब जिनका मूल्य बढ़ता जा रहा है, 1947 में अगर 1 रुपए में चीज मिल रही थी तो आज 2003 में वही चीज 20 रुपए में और 50 रुपए में मिल रही है, कंज्यूमर ले भी रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि 1980 में जो संपत्ति 1980 में जो संपत्ति 1 लाख की खरीदी गई है ना, 1 लाख की खरीदी गई, उसका मूल 2003 में 1 लाख, उसका मूल 2003 में 1 लाख में किया जाना अंशधारी और विनियोजन व जनता के प्रति न्याय नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के तो जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, और संपत्ति अगर 1 लाख में 2003 में भी 1 लाख में बिकी तो जो जनता है या जो न्यायिक है उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या होता है, मुद्रास्फीति की अवस्था में अंतिम स्टॉक का मूल्य अत्यंत बढ़ जाने से बनावटी लाभ की मात्रा बढ़ जाती है, जो अंतिम स्टॉक है उनका मूल्य बढ़ जाने से जो वो, मतलब जो बना रहे हैं, जो वो निर्माण कर रहे हैं प्रोडक्ट का, वो भी अपने क्वालिटी भी बढ़ा देंगे या उसमें कुछ इम्पोर्टेंस या उसमें कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीज करके ही देते हैं। जब वस्तुओं की लागत और मूल्य बदल रहे हों तो एक स्थायी मूल्य की स्थापना मापने के लिए इस संबंध में मुख्य दो पद्धतियाँ की गई, इसके संबंध में दो पद्धतियां हैं, कौन कौन सी, एक है हमारी चालू क्रय शक्ति पद्धति, दूसरी है हमारी चालू लागत लेखा पद्धति। इसकी दो पद्धतियां हैं, कौन कौन सी, चालू क्रय शक्ति पद्धति और चालू लेखांकन पद्धति। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि चालू क्रय पद्धति क्या है। तो ये हमारी चालू क्रय शक्ति पद्धति, ये क्या है, इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि परंपरागत लेखा के मूल्य परिवर्तन अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति के परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त कर वर्तमान वित्तीय विवरण की आवश्यकता समायोजित किया जाए। सीधी सी बात है कि इस पद्धति का जो उद्देश्य है वो है परंपरागत लेखा, जो मूल्य परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रावधान है, मुक्त कर परिवर्तन जितने भी प्रावधान हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इनकी प्राइस में, उनके साथ साथ जो विवरण हैं उनको भी तैयार किया जाए। दूसरा मतलब इस पद्धति में सामान्य मूल्य सूचकांक पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सूचकांक इंडेक्स नंबर पर निर्भर करता है। क्रय शक्ति की माप यह सर्वोत्तम साधन है, इसमें केवल क्रय शक्ति की माप होती है, मतलब कौन सी चीज सन कितने में कितने की थी और आज के समय में वही चीज कितने की है। दूसरा आता है अपने चालू लागत लेखा पद्धति क्या होती है, चालू लेखा पद्धति क्या है कि चालू लेखा पद्धति की सिफारिश ब्रिटिश सरकार ने सन 1974 ने नियुक्त किया, मुद्रास्फीति लेखा समिति द्वारा की गई स्फीति की राय कंपनी की संपत्तियों को परंपरागत लागत पर दिखाकर व्यवसाय की के लिए चालू उपयोगिता मूल्य को दिखाना चाहिए। क्या होता है, जो चालू मतलब जो चल रहा है उस मूल्य को दिखाना होता है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ा।